हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर बुशहर में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने एसजेवीएन की 210 मेगावाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना निर्माताओं के रोजगार एवं जन सेवा से जुड़े कार्यों पर असंतोष जताते हुए कहा कि अगर प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ परियोजना निर्माता न्याय नहीं करते तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। स्वयं भी कार्यस्थल पर आंदोलन में शामिल होंगे। जरूरत पड़ी तो परियोजना को बंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इससे पूर्व मंत्री ने रामपुर के सरकारी विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रगति की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास व जनसेवा से जुड़े कार्यों को समयबद्ध पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े कार्यों में कोताही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि विभाग आपसी सामंजस्य बनाकर विकास कार्यों को जल्द से जल्द निपटाए। मंत्री ने लोक निर्माण एवं खंड विकास कार्यालय रामपुर और ननखड़ी की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर किया है। या रूरल डेवलपमेंट के अलग अलग फंड्स के माध्यम से चल रहे हैं। रोजगार का भी बड़ा मसला है, क्योंकि आप जानते हैं कि लूरी में एक 320 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्थानीय युवाओं को उसमें रोज़गार मिले। उसके लिए हम एक बैठक अभी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ आगे जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुला के करेंगे। और मैं ये विश्वास आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के युवाओं को दिलवाना चाहता हूँ कि हम पूरी हक की पूरी लड़ाई यहाँ के युवाओं की लड़ेंगे। और अगर ये इन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं सुना तो हम धरने पे जाके बैठ जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को बंद कराने में भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर लगता है तो वो क्षेत्र के लोगों की उन्नति के लिए लगता है, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए लगता है, क्षेत्र के लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए लगता है। और अगर यहाँ के युवाओं को नज़रअंदाज किया गया तो इस प्रोजेक्ट को बंद कराने में हम पीछे नहीं हटेंगे। ननखरी का इलाका है या और इलाके हैं जो वहाँ के विकास के कार्य चल रहे हैं उनको धरातल पे देखेंगे, वहाँ के लोगों का धन्यवाद भी करेंगे जिन्होंने अभी हमें इस चुनावों में जिताया, और आगामी समय में और मजबूती के साथ वहाँ के विकास के कार्यों को गति दिया जाएगा। इसके लिए भी हम इलाके में जाकर वहाँ के लोगों के साथ मिलेंगे और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है सुक्खू जी और हमारे जो और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सबके सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और रामपुर निर्वाचन क्षेत्र जो राजा वीर भद्र सिंह जी की कर्म भूमि, स्वर्गीय राजा वीर भद्र सिंह जी की कर्म भूमि रही है, यहाँ के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है वो इस क्षेत्र के लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ।